नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड टेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक नए और साथ फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज मेरे पास जो है दोस्तों JBL का ब्लूटूथ ईयरफोन आया हुआ है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, कस्टमर कहना था कि चार्ज में जैसे लगाएं दोस्तों, तो चार्ज में लगाने के बाद जो है मतलब लाइट जो है दोस्तों, ये लाइट जो है अभी तो फिलहाल ठीक हो चुका है। इसका रीजन है कैसे ठीक हुआ नहीं ठीक हुआ वो मैं सारा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। और ब्लूटूथ और बहुत ऐसा जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंधित आपको अगर कुछ पूछना हो तो दोस्तों आप कमेंट करें, तो आपका जरूर रिप्लाई करूंगा मैं कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो दोस्तों। और बहुत ऐसा रिपेयर का वीडियो इस चैनल में डाला गया है दोस्तों, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। और ब्लूटूथ के बारे में एक दो वीडियो और भी है जो कि पूरा पूर्णतः डिटेल में बताया गया है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कहाँ से क्या कनेक्शन वगैरह है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कस्टमर कहना था दोस्तों कि जैसे चार्ज में लगाया दोस्तों, तो अब क्या है कि लाइट जो है इसका दोस्तों, ये ब्लू लाइट जो था दोस्तों जो जलता है दोस्तों, वो जल ही रहा था, ना ही आवाज़ आ रहा था, ना कुछ आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। इसको ऑफ करने की कोशिश भी कर रहा था, वो भी फिर भी ऑफ नहीं हो रहा था। तो एक तरह से कहा जाए कि शायद एक तरह से हैंग हो गया, जो कहते हैं हम लोग कि हैंग कर गया हो या फोन हो चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों मैंने भी देखा, तो ऑफ करके देखा, कोशिश किया मैंने, तो ऑफ नहीं हो रहा था। मैंने भी काफी कोशिश किया दोस्तों, इसमें क्या किया दोस्तों, तो दोस्तों देखिए मैंने जो है इसको तो खोला दोस्तों, और इसको कुछ नहीं किया बस दोस्तों। इसका जो पहले चेक किया कि बैटरी का वोल्ट कहाँ कितना आ रहा है, किस में आ रहा है। देखिए दोस्तों ये जो तार है दोस्तों, ये जो तार है दोस्तों, ये स्पीकर का है दोस्तों, बैटरी की इसमें है दोस्तों, इसमें बैटरी है, और बैटरी का प्लस माइनस दोस्तों यहाँ आया है। ठीक है दोस्तों, यही चार्जिंग पिन से वोल्ट बैटरी में जा रहा है जो कि चार्ज ले रहा है। तो दोस्तों मैंने चेक किया वोल्ट बैटरी का तार कौन सा है, और इसको खोल दिया मैंने, खोल दिया, और फिर से जब लगाया दोस्तों, तो देखते हैं कि लगाए तो अच्छा से काम करने लगा, कहीं से कोई इशू नहीं रहा दोस्तों। और आपको लगा के दिखाते हैं फिर से, और जो है मैंने देख चुका है दोस्तों, मतलब कहीं से कोई ऐसा इशू नहीं रहा। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि ऐसा प्रॉब्लम में आप ज़्यादा IC वगैरह कुछ भी नहीं खोलें, हीट नहीं करें, कुछ एक्स्ट्रा अपना दिमाग ना लगाएं दोस्तों, पहले ये चेक कर लें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें दोस्तों, और आपको चेक करके दिखा देते दोस्तों। दोस्तों मैंने ये सोल्डिंग कर दिया दोस्तों, और इसको ऑन करके देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये ऑन भी हो गया, और इसको ऑफ करके देखते हैं दोस्तों, तो ये शायद ऑफ भी होना चाहिए इसको। देखिए दोस्तों ये ऑफ भी हो गया, जो कि ऐसा नहीं हो रहा था दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों।